हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेन ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ट्रेनों के बारे में जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। तो पहली जो ट्रेन है वो है गंगा सतलुज एक्सप्रेस, जो कि धनबाद से चलकर फिरोजपुर को जाती है, और जो दूसरी ट्रेन है वो है धनबाद अलीपुजा एक्सप्रेस, जो कि एलएपी एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती है। तो क्या बदलाव हुआ है इन दोनों ट्रेनों में, आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आपको बता देंगे, जैसे कि आपको पता है कि धनबाद अलीपुजा एक्सप्रेस जो है वो अभी फ़िलहाल एलएचबी रैक के साथ नहीं चल रही है, तो अब इसको जो है वो एलएचबी रैक से चलाने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, अब इसको जो है वो एलएचबी रैक से चलाने की बात की जा रही है, और साथ ही साथ इस ट्रेन को जो है अब दोस्तों एक्सप्रेस से हटाकर इस ट्रेन को जो है वो सुपर फास्ट का जो है वो दर्जा देने वाली है रेलवे। जी हाँ दोस्तों, अब इसको सुपर फास्ट से में चलाया जाएगा, और इसके साथ साथ इस ट्रेन का जो किराया है वो भी बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रेन के जो रूट के जो कुछ छोटे स्टेशन हैं दोस्तों, उनको भी हटाए जाने की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने इसका प्रस्ताव को फिलहाल पास करने की सोच ली है, और अभी जो ट्रेन है ये आपको एलएचबी रेक होने के साथ साथ ही सुपर फास्ट और साथ ही साथ इस कम स्टॉपेज के साथ देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, पहले ये ट्रेन जो थी वो आधी ट्रेन धनबाद से चलती थी, और इसमें 14 डिब्बे जो हैं वो आगे से जुड़ते थे, लेकिन को अब हटा दिया गया है। अब ये पूरे 22 डिब्बों के साथ जो है ये दोस्तों ये जो गाड़ी है वो धनबाद से चलेगी, और एलएपी की एक्सप्रेस जो है वो ये बनकर चलेगी एक ही साथ। यानी कि अब दोस्तों इसके जो लिंक है उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब हम दूसरी गाड़ी की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरी गाड़ी जो है वो है धनबाद से चलकर फिरोजपुर को जाने वाली। जी हाँ दोस्तों, गंगा सतलुज एक्सप्रेस के बारे में। जी हाँ, गंगा सतलुज एक्सप्रेस को भी बहुत ही जल्द अभी जो है सुपर फास्ट का दर्जा दिया जाने वाला है, और ये ट्रेन भी जो है दोस्तों अब सुपर फास्ट होकर चलेगी, और साथ ही साथ अब इस ट्रेन को जो है दोस्तों एलएचबी रेक भी दे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन में जो है आपको एलएचबी रेक का जो है वो बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, अब इसका भी जो किराया है उसमें बदलाव होगा, यानी कि उसको किराए को जो है दोस्तों कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा, और इसके भी स्टॉपेज को कम किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों ही ट्रेन में जो है ये बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप इन दोनों ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो अब जो है आपका सफ़र कुछ आरामदायक आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और ऐसे ही नई एक वीडियो में। तब तक के लिए आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।